रगड़ा पूरी। हाय, मैं हूँ अनुपा और संजीव कपूर खजाना में आप सबको वेलकम करती हूँ। चलिए बनाते एक बढ़िया सी चाट, रगड़ा पूरी। तो रगड़ा पूरी के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। रगड़ा पूरी के लिए हमें चाहिए पानी पूरी की पूरियाँ, एक कप हल्दी और नमक के साथ उबला हुआ मटरा, आधा कप नायलॉन सेव, तीन उबले हुए आलू, एक कप दही, चार बड़े चम्मच लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, चार बड़े चम्मच इमली और खजूर की चटनी, दो बड़े चम्मच हरी चटनी, एक प्याज बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, काला नमक स्वाद अनुसार, दो बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी और चार बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सबसे पहले दही ले लीजिए और इसमें हम डालेंगे ये पीसी हुई चीनी और इसे आप अच्छी तरह से मिला लीजिए और मिलाने के बाद इसे फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। ये हो गई दही। अब ये जो आलू है, या आप इसे बारीक काट लीजिए या इसे आप हाथ से मैश कर लीजिए। ये हो गए आलू। अब एक इस तरीके का एक कोई सर्विंग बोल ले लीजिए और ये जो पूरी है इसे बस आप इस तरह से अरेंज कर लीजिए। चलिए, सारी तैयारी हो चुकी है। अब सबसे पहले इस पूरी में हम डालेंगे ये रगड़ा, ये उबले हुए जो वाइट पीस है इसे सबसे पहले हम डालेंगे और हो सके तो ये मटरा जो है इसे आप गरम गरम इसमें स्टफ़ कीजिए। मटरा के बाद आप डाल दीजिए इसमें आलू। ये आलू डाल दिया इसके अंदर हमने। आलू के बाद हम डाल देते हैं इस पे ये बारीक कटा हुआ प्याज। अब डाल लेते हैं तीनों चटनियाँ। सबसे पहले डालते हैं थोड़ी सी हरी चटनी। हरी के बाद हम डालेंगे लाल चटनी। लाल चटनी डालने के बाद हम डालेंगे इस पे ये मीठी चटनी। अब थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक। अब हम डालेंगे इस पे ये जो दही बना के रखी थी मीठी वाली, ये इसके ऊपर। दही के बाद हम डालेंगे इस पे सेव और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। है ना, ये रेसिपी बहुत सिंपल। रगड़ा पूरी आप ज़रूर ट्राई कीजिए।